अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा। आज हमारे साथ हैं सागर जी, जो बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को अलग किया है, सर आपका उस पर क्या नज़रिया है? जी देखिए, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, वैसे इनसे किसी को अगर ठेस पहुंचती है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से गठबंधन किया था और जो बहुजन समाज को एक आस दिखाई थी और अखिलेश जी ने जो वो अपनी तरफ से जो एक महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई थी और उन्होंने हर कीमत पर और यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे एक भी सीट मिले या न मिले लेकिन मैं गठबंधन के साथ हूँ, और अखिलेश जी ने अपना पूरा दायित्व निभाया, लेकिन परिस्थितिवश जो है हम लोकसभा में अच्छी सीट नहीं ले पाए और बहन जी ने उसी बात को लेते हुए गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि अखिलेश जी को खुद यादव वोट नहीं मिला तो उन्होंने हमें क्या दिलाया होगा। लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि ये गठबंधन उन्होंने गलत तोड़ा है, क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं बहुजन समाज को निराश किया है, क्योंकि बहुजन समाज चाहता था कि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक भी रहे। प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाई क्योंकि अच्छी सीट हम नहीं बन पाई, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि बहन जी ने सबसे पहले जो हार का ठीकरा था वो ईवीएम पर फोड़ा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये गठबंधन ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि ये अखिलेश जी की वोट ट्रांसफ़र ना होने की वजह से हम लोकसभा चुनाव आ रहे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा या बसपा सुप्रीमो से ये पूछना चाहूँगा कि क्या ईवीएम खराब था या गठबंधन मैं जो अखिलेश जी की वोट आपको ट्रांसफ़र नहीं हुई इसलिए आप लोकसभा चुनाव आ रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुजन समाज जो है आज बिखरा हुआ है और मायावती से कहीं ना कहीं इस गठबंधन टूटने पर रुष्ट है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत विचार भी ये देना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया था, उनका विकास बोला था, और आज भी अखिलेश अपनी चुप्पी साधे हुए हैं और उन्होंने आज भी इस गठबंधन की कहीं ना कहीं आस बनाए हुए हैं और बहन जी को इस गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।